एक बार चलते हैं भारत की कृषि के क्षेत्र में। यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी चीज़ें कहाँ पर अधिक होती हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, मिल सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कुल खाद्यान्न में भारत में कौन सा स्थान किस राज्य का है, बताइएगा। सबसे पहले राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, इसमें सबसे अधिक खाद्यान्न फसलें होती हैं, जैसे गेहूं, चावल, दाल। ठीक है, खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं, कुल खाद्यान्न उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अधिक होता है कह सकते हैं, इसलिए कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान आपके मध्य प्रदेश का है, तीसरा पंजाब का है। क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पूछेगा कि प्रथम स्थान कुल खाद्यान्न में किसका है। आगे है कुल दाल, दाल सबसे अधिक कहाँ पर होती है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर सबसे अधिक दाल मध्य प्रदेश में होती है, जानते भी होंगे, तो सिंपल भी है। ठीक है, इसके बाद है महाराष्ट्र, इसके बाद है राजस्थान। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है एमपी। आगे है कुल तिलहन, सबसे अधिक तिलहन कहाँ पर होता है। जहाँ तिलहन वहीं अधिक होगा जहाँ पर बलुअर क्षेत्र होगा। ठीक है, और बारिश कम होती है, कहाँ पर कम होती है, आपके राजस्थान में कम होती है बारिश। ठीक है, बलुअर क्षेत्र है इसलिए तिलहन अधिक होता है, ये एमपी दूसरा स्थान है, तीसरा गुजरात है। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। आगे है कुल सब्जी, सबसे अधिक सब्जी कहाँ पर अधिक होती है, उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सब्जी होती है, और दूसरा पर है पश्चिम बंगाल। कौन है, पश्चिम बंगाल। मछली खाते रहते हैं लेकिन सब्जी भी खाते हैं साथ साथ में। ठीक है, तो दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। चावल की बात करेंगे साथियों, तो सबसे अधिक चावल कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में होता है सबसे अधिक चावल। ठीक है, दूसरा स्थान आपके उत्तर प्रदेश का है, किसका स्थान है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, तीसरा पर पंजाब है, किसमें, चावल में। ठीक है, क्योंकि चावल सबसे अधिक कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ये दो दो बार चावल को बो देते हैं। ठीक है, एक बार बोए फिर दो बार बो देते हैं, इसलिए यहाँ पर अधिक हो जाता है। ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्र में जो बोया जाता है वह उत्तर प्रदेश में ही बोया जाता है, लेकिन अधिक होता कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक कहाँ पर चावल होता है, चीन में होता है। दूसरा स्थान आपके भारत का है, तीसरा बांग्लादेश का है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक चावल कहाँ पर होता है, मतलब क्या है कि प्रति हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर मान लिया यूपी बो दिया, उतना ही एक हेक्टेयर में आपका पंजाब बो दिया, एक हेक्टेयर में पश्चिम बंगाल बो दिया। ठीक है, तो सबसे अधिक चावल कहाँ पर पैदा होगा, इतना इतना बड़ा बड़ा बाल होगा, वो आपके पंजाब में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, याद रहेगा, सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर में पंजाब। आइए आगे देखते हैं, गेहूं है, गेहूं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान गेहूं रखता है। ठीक है, गेहूं में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद आपके पंजाब में। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक गेहूं चीन में होता है, दूसरा स्थान भारत का है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर में गेहूं में पंजाब प्रथम स्थान है। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। आइए, भारत प्रथम स्थान किन किन चीज़ों में है, जान लीजिए भैया, किसमें है, दलहन में, जूट में, आम में, दूध में, केला में, मसाला में, नींबू में, प्याज में, पपीता में। ठीक है, ये भारत प्रथम स्थान रखता है, सिंपल है, एक बार पढ़ लीजिएगा हल्का हल्का, आपको याद रहेगा। क्या है, दलहन, जूट, आम, दूध, केला, मसाला, नींबू, प्याज, पपीता। ठीक, आगे, भारत का दूसरा स्थान किन किन चीज़ों में है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ही पूछेगा इनमें से, मतलब बोलेगा चावल में दूसरा स्थान किसका है, किस देश का है, तो भारत का है। चावल का स्थान दूसरा, गेहूं में दूसरा, मूंगफली में दूसरा, गन्ना में दूसरा। ठीक है, इन चीज़ों में चीन प्रथम स्थान है, बात यही है, और भारत का दूसरा स्थान है, तंबाकू में, केसर में, पुल फल में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, पता हो गया, जान गए होंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता भी हो जाएगा, सब सिंपल भी है। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं, एक बार भाई लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में समझते हैं कि किस किस चीज़ में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो हो सकता है कोई इसमें से एक देगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक कुल खाद्यान्न में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, गेहूं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है,
गन्ना भी उत्तर प्रदेश में, दूध भी उत्तर प्रदेश में, आलू भी और मांस, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, इन सब चीज़ों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गन्ना खूब क्वेश्चन पूछता है, गेहूं भी पूछता है, दूध भी पूछता है, ठीक है, और आलू भी पूछता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश वाला, ठीक है। आइए एमपी किस किस चीज़ों में आगे है, आपके दलहन में, दलहन उसे कहते हैं जिसमें दलहन वाली फसलें आती हैं, जिससे दाल बनता है, ठीक है, दाल भात खाएंगे वही वाला, जिसमें मूंग होता है, अरहर होता है, मसूर, उड़द, मटर, चना, ठीक है, ये सब दलहन फसलें होती हैं, मतलब सब मिला के सबसे अधिक एमपी में होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे है तिलहन, तिलहन फसलें कौन कौन सी होती हैं जिससे तेल निकलता है, जिसे सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, सूरजमुखी हो गया, तो ये सब एमपी में सबसे अधिक तिलहन वाली फसलें अधिक होती हैं, मतलब तिलहन फसलें अधिक होती हैं। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि सरसों और तिलहन में अंतर बताओ, थोड़ा सा समझना, हमारे गांव में ये सरसों को भी तिलहन बोलता है आदमी, लेकिन नहीं, ठीक है, सरसों सबसे अधिक आपके राजस्थान में होता है, ठीक है, लेकिन तिलहन बोलेगा तिलहन तो आपके मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना है। आगे है सोयाबीन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, चना सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, और अलसी, ठीक है, अलसी कुछ होता है, हमारे यहाँ नहीं बोया जाता है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन अलसी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। आगे है साथियों राजस्थान, राजस्थान में क्या क्या सबसे अधिक होता है, मोटा अनाज, जितना भी मोटा अनाज है, जैसे ज्वार, बाजरा, जौ, रागी, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है मोटा अनाज में आती हैं, सरसों भी मोटा अनाज के अंतर्गत आता है, ये सब चीज़ें मोटा अनाज के अंतर्गत आती हैं, ये सब अधिक होता नहीं है, ये सब मोटा अनाज के अंतर्गत आता है, इसलिए सब मिला के मोटा अनाज सबसे अधिक राजस्थान में ही होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ऊन में, ऊन भी प्रथम स्थान रखता है राजस्थान, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे है कपास, और कपास सबसे अधिक कहाँ पर होता है, गुजरात में, ठीक है, और मूंगफली भी कहाँ पर अधिक होता है, गुजरात में, आप देखे होंगे कपास, कपास जैसा दाढ़ी कौन रखा है, आप समझ रहे होंगे, तो गुजरात के ही हैं, और मूंगफली जैसा कपार किसका है, वो भी गुजरात के हैं, ये भी समझ रहे होंगे, ठीक है, ऐसे है, याद करना है, बुरा नहीं मानना है। आगे है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में क्या क्या अधिक होती है, अरहर होता है, अंगूर होता है, प्याज होता है, ठीक है, ज्वार होता है, काजू होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है महाराष्ट्र में सबसे अधिक होती हैं, अरहर, अंगूर, प्याज, ज्वार, काजू, ठीक है। कर्नाटक में सबसे अधिक क्या होता है, काफ़ी, काफ़ी पी के सब लोग नाटक करने लगता है आदमी, ठीक है, तो सबसे अधिक काफ़ी कहाँ पर होता है, कर्नाटक में होता है। आपके सूरजमुखी, सूरजमुखी भी कहाँ पर होता है, कर्नाटक में होता है सबसे अधिक, और मक्का भी सबसे अधिक कहाँ पर होता है, कर्नाटक में होता है। इनको हम आपको लाए हैं कि राज्य वाइज अगर याद करेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा, भूलेगा नहीं, ठीक है, एक बार देख लीजिए याद रहेगा। आगे है आंध्र प्रदेश में क्या होता अधिक, तंबाकू, अंधा आदमी तंबाकू पीता रहता है दिन भर रात भर, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू होता है, हल्दी होता है और अंडा होता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। असम में सबसे अधिक क्या होता है, चाय होता है, प्रथम स्थान असम का है चाय में, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, असम चाय में, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। भारत में, विश्व में चीन का है, भारत का दूसरा स्थान है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक क्या होता है, जूट होता है, क्या होता है, जूट जो है पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, ठीक है, विश्व में बांग्लादेश में सबसे अधिक होता है, ठीक है, कहाँ पर, बांग्लादेश में सबसे अधिक जूट होता है। केरल, केरल में सबसे अधिक क्या होता है, रबड़ होता है, मसाला होता है, रबड़ हो गया, मसाला जो है केरल में अधिक होता है। तमिलनाडु में क्या होता है, केला सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में ही होता है, ठीक है।